इस बेस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ए मनीष हैड ए प्लॉट ऑफ लैंड इन ए शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ही कंस्ट्रक्टेड हाउस इन द मिडिल बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द फोर साइड्स ऑफ ए लैंड एंड यूज द फोर पोर्शंस ऑफ द फोर एंड्स एट अ डिफरेंट पर्पजेस। फाइंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द शेप ऑफ लैंड ऑन विच द मनीष कंस्ट्रक्टेड हिज हाउस। He has a quadrilateral shape of land. Okay. He made the house by joining the midpoints of the quadrilaterals. Okay. Midpoint of the quadrilateral. Okay. So this portion is a parallelogram. Midpoints को join करने से क्या बनता है? Parallelogram. तो what is the shape of land? लिखेंगे parallelogram. वो अपना जो घर बनाएगा वो किस पे बनाएगा? पैरेललोग्राम पर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ देयर रेशियो इज 1:2 एंड द पेरीमीटर इज 180। अगर साइड्स हम लोग लेते हैं, सपोज इट इज ए बी सी डी, ये इसका घर है ए बी सी डी, तो एक साइड को अगर लेंथ अगर हम लोग x लेंगे तो ब्रेथ हो जाएगी 2x एंड पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर फॉर्मूला सेम एज रेक्टेंगल, 2 टाइम्स x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 180 मीटर। इट इज 3x इंटू 2 6x, तो x इक्वल टू 180 बाई 6, इट मीन्स 30 मीटर। तो लेंथ उसकी 30 मीटर होगी और ब्रेथ हो जाएगी 60 मीटर, 2x यानी 2 × 30, 60 मीटर। अगर पेरीमीटर 180 है तो ये साइड्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इट इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर ए बी सी डी के चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कितने होंगे? 90 90 90। ईच एंगल इक्वल टू 90 degree, तो what type of parallelogram could be possible? Square और rectangle, ये दोनों हो सकते हैं अगर चारों एंगल बराबर हों, लेकिन इसका तो rectangular है क्योंकि 30 और 60 है। Next, in a parallelogram PQRS, PSQ 30 degree एंड QRS, हम यहाँ PQRS बना देते हैं, एक parallelogram है PQR एंड एस, पी एस क्यू 30 degree, दिस एंगल इक्वल टू 30 degree एंड क्यू आर एस 110, क्यू आर एस दिस इज द 110 degree। फाइंड एस क्यू पी, एस क्यू पी हमको ये एंगल पता करना है, ठीक है। ये 110 है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 110 बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड पी क्यू एस क्यू पी एस क्यू पी। ओके, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, देयर फोर एंगल पी इक्वल टू 110। ओके, क्यू आर एस 110 है तो ये भी 110 हुआ। इन ट्राइंगल पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180, ये हो गया 110। एस क्यू पी निकालना है हमको, पी एस क्यू 30 degree इक्वल टू एस क्यू पी इक्वल टू 180 माइनस 140, 110 प्लस 30 140, इट इज इक्वल टू द 40 degree, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 40 degree। एंड द लास्ट एंगल क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ ए एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हम लोग पहले ही प्रूव करके बता चुके हैं, ये एंगल होता है हमेशा 90 degree। कैसे होगा? एक पैरेललोग्राम है, किसी भी दो बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट और इसका एडजेसेंट, ठीक है।
तो जब पैरेललोग्राम है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और जब हाफ है तो दोनों का सम 90 डिग्री। फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 90 है, तो ये भी कितना होता है 90। यही पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट ऑफ एंगल पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री।